सही है, पंखा भी बंद है, एसी भी बंद है, जल्दी बना ले। वो सबर पेटू बिलाल है, इसमी बिलाल है। मुझे कभी तो बोलने दिया करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं करूंगी। पेट ना ज्यादा खींचो अंदर, सबको पता है तुम्हारा पेट बाहर ही है। हाल चाल है? कोई लाइट ले आओ। लाइट गई हुई है। अब आप बताया वीडियो कैसे बनाए। इसने पंखा भी बंद कर दिया, कह रहा है वीडियो में शे शे शे। क्या बोला तूने? शे 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 शे। चुप, बिल्कुल चुप। Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. It's me Seher. ये बदतमीज बिलाल है, ये पेटू बिलाल है। आज हम वीडियो लेके आए हैं। यार मैंने भी बोलन देना। तो आज ही हम वीडियो लेके आए हैं पूरी फैमिली के साथ, पाकिस्तान पहुंच गए फर्स्ट टाइम इंडिया। इंडिया ये पांडे की वीडियो है। पांडे तुम्हारी वीडियो पहले भी बनी है। पाकिस्तान व्लॉग करतारपुर, करतारपुर जो उनका नेक्स्ट वीक नेक्स्ट नहीं, ये पहले वाली है जो उसने पहले पहुंचे, तो हम वहाँ पे मिस कर गए। तो बेसिकली वो अचानक वीडियो नजर आई, तो हमने तो उसका चैनल विजिट नहीं था किया, तो फिर हमने इसका चैनल विजिट किया, तो ये वीडियो देखते हैं उससे पहले की। अच्छा, ये बात बात का पार्ट पहले की है, तो बात वाला पार्ट नहीं है। बात इसके उसने पता 3-4 पार्ट बनाया ना। अच्छा हाँ, तो ये सबसे पहली वीडियो है ना कि पाकिस्तान में एंटर हो रहा है, तो उसकी पता चला है। वाली वीडियो मजे की थी, जिसकी वजह से हम ये वाली वीडियो उसकी देखते हैं। तो इस पे देखते हैं कि इसका क्या रिएक्शन है पाकिस्तान में आने के बाद, क्या जज्बात हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वो वीडियो में ऑलरेडी आ चुका था। सही है, तो चले स्टार्ट करते हैं। वो सबर ये पंखा भी बंद है, एसी भी बंद है, जल्दी बना ले। शुरू हो गया भाई, मजे आ गए। क्या अलग लेवल की फीलिंग आ रही है। ये Going to Pakistan. कैसा लग रहा है? ओम भाई। पाकिस्तान के अंदर हो देखो। Welcome to Pakistan. Welcome to Pakistan, मम्मा। लग कैसा रहा है फीलिंग? बढ़िया। ये रहा सामने पाकिस्तान। ओ भाई साहब। ये रही जीरो लाइन। ये रहा इंडिया। ये रहा पाकिस्तान। मैं वो पाकिस्तान के गेट पे वेलकम करने के लिए। वेलकम पाकिस्तान। वेलकम टू पाकिस्तान। Hey guys, welcome back to a new vlog. Finally, आज है वो दिन जिस दिन हम अपने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करेंगे और जाएंगे करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान। इतनी ज्यादा खुशी, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, इतनी खुशी मुझे आज तक कि मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी तो गाइस अभी फटाफट से उड़ गए हैं। टाइम हो चुका है सुबह के 6:23 है, तो फटाफट से उड़ गए, तो नहाते और फिर मिलते हैं। ओए ओए, ओम 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 ओम, उठ भाई यार, आज जाना है पाकिस्तान भाई, लेट मत कर यार। उठ 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 पापे, उठ, पाकिस्तान जाना है भैया, पाकिस्तान, उठ जा उठ जा। नहीं उठेगा ना तू, नहीं उठेगा तू, तेरा सिर्फ एक ही इलाज है, चल तेरी तो टांग खींच के उठ 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 उठ। पासपोर्ट, ईटीए फॉर्म, आरटीपीसीआर रिपोर्ट और कोविड वैक्सीन, ये चारों चीजें बैग में रख दी हैं। कोविड वैक्सीन बैग में डाली है। कहाँ है कोविड वैक्सीन? क्या है वो कोविड? हे भगवान, कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो। कोविड वैक्सीन आज आके पाकिस्तान में लोगों को इंजेक्शन लगाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे। हे भगवान, टीकाकरण करेंगे वहाँ पापा। कोविड वैक्सीन वाला सर्टिफिकेट, ये चारों चीजें रख दी हैं और आधार कार्ड मेरी जेब में है, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और कुछ नहीं है। डन। पासपोर्ट, ATA, RTPCR एंड कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड मेरी जेब में, वहाँ जाकर हल्ला गुल्ला मत करियो, कुछ चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एक चीज छूट गई यार। क्या? कोविड वैक्सीन। बैठो 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 बैठो, पापा बैठ गए हैं और ये रही हमारी गाड़ी, तो फटाफट चलते हैं। और बगल में हमारे ड्राइवर भैया, भैया नाम क्या है आपका? अमन भैया है। और सबसे पहले गाइस, टाइम जो हो रहा है, टाइम है अभी 7:39 और अभी जा रहे हैं हम नाश्ता करने के लिए। भैया कह रहे हैं यहाँ के फेमस है पूरी छोले, है ना, प्रेम पूरी वाला कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे लगाते हैं वो और 11 बजे फ्री। तो सबसे पहले भाई जाते हैं और पेट पूजा करते हैं और फिर निकलेंगे करतारपुर। I can feel the sweat inside my palms.
play with me like cats and a string. तो अंकल जी आपका नाम प्रेम हुआ? हाँ, यहाँ पर बोल रहे फेमस है पूरी छोले, तो अभी खाते फिर? तो भैया हमारी जो प्लेट है वो लग चुकी है अंदर, ओम भी खा रहा है, पापा भी खा रहे हैं, मम्मी गाड़ी में ही खा रही हैं। तो ओए होए होए, इतनी मस्त वाली मोटी मोटी पूरियाँ, छोले और प्याज भी है, तो अच्छे से खाते हैं, पेट फुल करके खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। You don't understand the pain of brains. You don't ever wanna give me wings. अंकल आपके छोले पूरी से प्रेम हो गया है। जो खिलाया मजे आ गए हैं। ठीक है सर, अब आएंगे तो यहीं खाएंगे, ठीक है? ओके ओके अंकल ओके। इतने ज्यादा टेस्टी पूरी छोले, मजे आ गए, भैया ने बिल्कुल सही बोला। तो बाकी अब चलते सीधा करतारपुर कॉरिडोर, मतलब डेरा बाबा नानक चेक पोस्ट। You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. करतारपुर साहे 5 किलोमीटर, यहाँ पर मांगेंगे पासपोर्ट शायद से। हेलो सर, पासपोर्ट, ईटीए फॉर्म और पासपोर्ट निकालो पापा, चलो। तो ये रहा गाइस हमारा ईटीए फॉर्म और पासपोर्ट। पासपोर्ट दिखाइए। ललित मोहन, दिव्यांश पांडे। हो गया सर, थैंक यू सर। हमने जो भी डॉक्यूमेंट थे हमारे सब दिखा दिए और अब जा रहे सीधा गेट के अंदर। ये रहा एंट्री हो चुकी है अभी गेट से और अब जा रहे सीधा अंदर। अभी पाकिस्तान नहीं आया लेकिन। अभी नहीं आया पाकिस्तान, अभी इंडिया ही है। बस हम पहुंच चुके हैं अपने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर डेरा बाबा नानक। ओके भैया थैंक यू। तो अभी भैया को करते हैं बाय, भैया थोड़ी देर यहीं पर वेट करेंगे। तो ये है हमारा चेक पोस्ट, यहाँ पर हमारा फिर से चेकिंग वगैरह होगी, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारा लगेज। लगेज जो है 7 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, हमारा तो 7 किलो तो ओम भी नहीं है। तो ओम लगेज है हमारा, ओम लगेज। तो बाकी अभी चलते सीधा अंदर, जो भैया ड्राइवर भैया अब वो 4-5 घंटा भारी वेट करेंगे और हम घूम के आएंगे अंदर पाकिस्तान। ये रही सामने इतनी शानदार एंट्री, आवाज ओए आवाज गूंज रही है। ये हेलो, हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। Everything is like a test, I better not test. श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर ICP डेरा बाबा नानक, अब चलते सीधा इसके अंदर। तो गाइज हमारा पहला काम हो चुका है, वो काम है कि हमने अपना ETA सर्टिफिकेट को चेक करा लिया है। वहाँ पर हम गए थे पीछे और उसमें लग गई है स्टैंप और हमने पी ली है पोलियो की 2 ड्रॉप, क्योंकि इंडिया जो है वो पोलियो फ्री है लेकिन पाकिस्तान में पोलियो अभी भी है। तो हमने पोलियो ड्रॉप पी ली है एंड अभी हम खड़े हैं लाइन के अंदर। यहाँ पर हमारी आगे होगी चेकिंग, यार सामान चेक होगा, सामान चेक होगा और एक बैग ही है बस। और बाकी इस हॉल के अंदर गाइज वही लोग अलाउड है जिनके पास पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट है, राइट? बधाई 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 गाइज, हमारी चेकिंग हो चुकी है और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है इमिग्रेशन। तो बस जा रहे हैं और गाइज हमारी चेकिंग तो अच्छे से होगी लेकिन ओम को पकड़ लिया यहाँ पे, वो कह रहे ओम अलाउड नहीं है, ओम खतरनाक चीज है अपने आप में। वो कह रहे ओम बम है, बम भाई वो तो मैं बोलने की क्या बात, एटम बम है, एटम बम। जहाँ जाता हूँ वहाँ फट जाता हूँ। अच्छा तो गाइज सावधान रहो, पाकिस्तान वालों ओम आ रहा है। सामने ओम की भी चेकिंग हो चुकी है और फाइनली हमारा इमिग्रेशन आ चुका है। ये रहा इमिग्रेशन ऑफ इंडिया 8 अप्रैल 2022। हाँ। कितने बैग है हमारे पास, कितने लोग हैं, हमें कितनी करेंसी हम लेके जा रहे हैं सर, इसमें डिटेल भरनी होती है, मैंने भर लिया। बस गाइस सारा काम हो चुका है, सारी सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है और बस अब हम बैठ रहे हैं अपनी ये छोटी सी टैक्सी है और यहाँ पर बैठ रहे हैं और बस चलते हैं। यहाँ बैठो, यहाँ पर बैठो, पीछे बैठना, पीछे बैठ रहे गाइस यहाँ पर और बस यहाँ से जा रहे सीधा पाकिस्तान। शुरू हो गया भाई, मजे आ गए, क्या अलग लेवल की फीलिंग आ रही है। ये गोइंग टू पाकिस्तान। नेक्स्ट टू ऑल कम ऑफ डेस्परेट, बट इफ आई ले डाउन एंड आई प्ले डेड एंड आई स्टे डेड, बेबी यू विल गेट सिक ऑफ बीइंग द मॉन्स्टर आउट ऑफ माय हेड अंडर माय बेड थिंकिंग समथिंग आउट ऑफ माय नाइटमेयर। ये रहा गाइस सामने, ओ भाई साहब, पापा कैसा लग रहा है, ओम भाई पाकिस्तान के अंदर हो, देखो वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू पाकिस्तान। मम्मा लग कैसा रहा है, फीलिंग बढ़िया। गाइस अभी हमारी फाइनल सिक्योरिटी चेकिंग यहाँ पर हुई थी और अब ये रहे बॉर्डर, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये रहा सामने पाकिस्तान, ओ भाई साहब गजब। वीडियो बड़ी अच्छी बनाता है भाई और वैसे भी वो एडिटिंग मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं करते, बड़ी
नॉर्मल सी एडिटिंग करते हैं, मजे की एडिटिंग है, लोग अच्छा बनाता है ये बॉय। किस तरह प्यार और मोहब्बत, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मतलब ना इसमें, बहुत हमने मुझे पर्सनली एग्जैक्टली वो पहले हमने ये था क्योंकि रैंडम वीडियो सामने आई तो हमने उस पर रिएक्शन कर दिया, उस पर वीडियो को देख लिया, तो हमें इसके चैनल को पहले ढूंढना चाहिए था और स्टार्ट से ये वाले पार्ट्स करने चाहिए। ओम छोटा ना बड़ा वो है मर्ची टाइप का लड़का है, ज्यादा ही शुगर लगाता है, कभी आओ ना पाकिस्तान दोबारा खुशबू लगा के। तो यार फिट था यार, बड़ी एक्साइटमेंट, मतलब अगर मैं उस अपने को उसकी जगह पे रख के देखूँ तो यू नो एक वो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना कि मतलब कोई चीज होने वाली है ना, बहुत यार के पता नहीं क्या होगा। लाइक हम भी अगर इंडिया से जाए तो हमें भी इसी तरह होगा, लेकिन उन्होंने जो फील करवाया है ना बहुत अच्छा यार, अच्छा व्लॉग बनाता है भाई तू और इंटरटेन बड़ा अच्छा करता है। और सेकंड ये कि इसको मजीद अच्छी बन सकती है वीडियो, लेकिन तू पहले भाई वीडियो बना रहा, पहले का हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तुझे, तो यार फिट है यार, अच्छी वीडियो है। तो बहरहाल सेकंड इनका उसमें चेकिंग शेकिंग का बड़ा अच्छा यार इनका निज़ाम है। तो पाकिस्तान में तो वो बेसिकली ना वहाँ के माहौल के हिसाब से टर्मिनल अच्छे बने हुए हैं, अगर पाकिस्तान में आओ तो टर्मिनल थोड़े से लुक उसकी चेंज है क्योंकि वो यू नो कल्चर चेंज है जिसकी वजह से उस हिसाब से डेवलप किया गया। तो फिट है, इसके बाकी दूसरा पार्ट भी देखते हैं, एक पार्ट हो चुका है, इसके बाद एक पार्ट रहेगा आई थिंक, तो वो देखते हैं उसपे भी अभी दोबारा बना लेते हैं, उस पर भी देखते हैं उसकी फीलिंग्स, उसने क्या एक्सप्रेस किया है, जब एंटर हो गए तो क्या वो पहले बना चुके हैं फीलिंग्स थी क्या थी नहीं, वो एंड से हमने एक्चुअली में हमने एंड से स्टार्ट किया, वो लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं एंड तक जाते हैं, पर तो स्टार्ट करके फर्स्ट पे आ रहे हैं, तो चले कोई बात नहीं, पाकिस्तान के हाल भी कुछ ऐसे ही है भाई, तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं इनकी नेक्स्ट वीडियो पे, तो उस पे बताएंगे कि इनका अभी करते हैं और सुबह दोनों वीडियो इकट्ठे अपलोड कर देंगे, एटलीस्ट देखने में मजा आएगा। तो होपफुली आपको हमारा आज का रिएक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं ना यार, उधर एंड कर लेते हैं खत्म।